मच, स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं इंदौर की खबरों की ओर। इंदौर सहित पूरे मध्य प्रदेश के जूनियर डॉक्टर अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। आपको बता दें कि हड़ताल का आज 4था दिन है। जूनियर डॉक्टर की इस हड़ताल में चिकित्सा के क्षेत्र के अधिकारी संघ में अपना समर्थन देते हुए जुड़ा की मांग को शासन से मानने का लिखित दस्तावेज देते हुए 48 घंटे की समय सीमा भी MGM मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर संजय दीक्षित को सौंपाए हैं और शासन पर आरोप भी लगा रहे हैं कि डॉक्टर्स को लेकर शासन का रवैया ठीक नहीं है। सूत्री मांगों को लेकर पिछले 10 दिनों से चले आ रहे जूनियर डॉक्टर का हड़ताल का आज 4था दिन है और अब JDA के समर्थन में चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े संगठन भी उनके साथ आ खड़े हुए हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सर्विस डॉक्टर्स विंग के डॉक्टर माधव सहानी ने जुड़ा को लेकर जुड़ा के समर्थन के लिए ज्ञापन की बात मीडिया से करते हुए कहा कि हड़ताल ही JDA के परिवारों को धमकाया जा रहा है और साथ ही शासन द्वारा किए जा रहे अनदेखी को शासन का पक्षतापूर्वक रवैया बताया गया। डॉक्टर माधव हसनी के अनुसार MGM DN को दिए गए ज्ञापन में संघ ने 48 घंटे का समय दिया है, JDA की मांग को मानी जाए अन्यथा संघ द्वारा बैठक का निर्णय लेते हुए इस मामले में आगे भी कार्यवाही की जाएगी। आप लोग उनके समर्थन में आए हैं, किस बैनर के बिहाफ पे आए हैं और वर्तमान में आप लोगों ने क्या किया? देखिए, बड़ा दुखद पहलू है कि उनकी मंजूर की गई मांगों पे शासन द्वारा समुचित रूप से कार्रवाई नहीं की गई और उनको मजबूरी में वापस हड़ताल जैसा कटु निर्णय लेना पड़ा है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन जो पूरे प्रदेश के शासकीय चिकित्सालयों में हैं, मेडिकल कॉलेजों के, उनके द्वारा ये निर्णय लिया गया है और हम ये लगातार देख रहे हैं कि शासन पक्ष की ओर से न केवल उनसे बातचीत न की जा रही है बल्कि उनके परिजनों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके घर पुलिस भेजी जा रही है और साथ ही जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है वहाँ पे इनके नामांकन रद्द करने के संबंध में पत्राचार किया जा रहा है। तो ऐसे ही जब महामारी की दशा में लोग 15-16 महीने से लगातार कार्य कर रहे हैं और उनके प्रति सहानुभूतिपूर्ण विचार करके उनकी मांगों को न मानना और अधर्मिता दिखाना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं और इसी को लेके जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन द्वारा हम लोगों से सहायता की मांग की गई थी और जिसके संदर्भ में कल जबलपुर की जिला इकाई मध्य प्रदेश चिकित्सा अधिकारी संघ और उसके साथ में IMA जबलपुर में जो हमारे सचिव महोदय हैं उनके द्वारा और साथ ही जो इन सर्विस विंग है IMA की प्रदेश की उनके द्वारा कल समर्थन का पत्र जूनियर डॉक्टर्स को जारी किया गया। इसी तारतम्य में आज इंदौर में मध्य प्रदेश चिकित्सा अधिकारी संघ की इकाई द्वारा अपना समर्थन का पत्र इनको जारी किया गया और न केवल जारी किया गया बल्कि 48 घंटे का समय सीमा दी गई है शासन को कि शासन यदि 48 घंटे में जूनियर डॉक्टरों के संगठन के साथ बातचीत करके सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस प्रकरण का समाधान नहीं करता है तो जो मध्य प्रदेश चिकित्सा अधिकारी संघ की इंदौर इकाई है वो भी किसी भी स्तर पे जैसा भी कार्यकारिणी में निर्णय होगा इस संघ इनके आंदोलन को समर्थन देने के लिए मैदान में उतरेगी। सर, आप लोग धरती के भगवान कहे जाते हो और कोविड कॉल का चलना और फंगस का होना, ऐसे में इस हड़ताल का लंबा खींचना किस दृष्टि से आप देखते हैं? इसके लिए पूरी तरह से प्रशासनिक मशीनरी जिम्मेदार है, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम जिम्मेदार है। चिकित्सकों की मांगें पूर्व में मानी जा चुकी थी, उनको समय सीमा दी गई थी और जिसमें उनका निराकरण न किया जाना कहीं ना कहीं अदूरदर्शिता का परिचय है और साथ ही चिकित्सक और जो हमारे जूनियर डॉक्टर्स हैं उनके प्रति जो शासन का जो रवैया है वो सहानुभूतिपूर्ण नहीं है। और अभी हाल ही में संविदा चिकित्सा कर्मियों की भी हड़ताल हुई थी और उसमें भी इसी तरह की चीज़ें देखने में आई हैं। लोगों के आंदोलन खत्म करवा दिए जाते हैं और जो समय सीमा दी जाती है उनमें उनकी जो मांगे थे उनका निराकरण नहीं किया जाता और इसके कारण इस तरह की कटु स्थिति उत्पन्न होती है।